एक निजी विद्यालय में बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित किया गया। जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं वो लोग मरने के बाद भी माता पिता को भूलते नहीं और उनके सम्मान को और बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी कड़ी में छिबरामऊ रोड स्थित शीला देवी इंटर कॉलेज में माता स्वर्गीय शीला देवी की स्मृति में बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी बुजुर्ग महिलाएं व पुरुषों को माला पहना कर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, माता पिता के नाम से एक संदेश भेजने की कोशिश भी की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लालमणि यादव ने स्वर्गीय माता शीला देवी यादव की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। क्या हुआ, किस तरह के कार्यक्रम है आज? हमारी माँ की 26वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने गरीबों को यहाँ पर मोमेंटो प्रदान किए हैं और सम्मानित किया है उन लोगों को। भोजन की व्यवस्था है सभी लोगों के। क्या नाम आपका? अश्विनी कुमार। किस तरीके का कार्यक्रम किया, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कार्यक्रम में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे पिताजी हैं, जो इस विद्यालय के फाउंडर चेयरमैन हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माँ के सपने को साकार करने के लिए ये विद्यालय खोला है, ग्रामीण अंचल में विद्यालय खोला है। इस श्रद्धांजलि उत्सव के माध्यम से बच्चों को एक और संदेश देना चाहते हैं कि अपने माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी माँ को गुजरे हुए 26 वर्ष हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरे साथ उसका आशीर्वाद रहता है, यही संदेश है। आज क्या कार्यक्रम किया? आज कार्यक्रम तमाम हमारे बुजुर्ग आए, हमारी नानी जो लगभग 100 वर्ष की होने जा रही है उनको भी सम्मानित किया है, गरीबों को सम्मानित किया है, बच्चों को बहुत सारे उनके लिए मोमेंटो मंगवाए हैं, और इसमें 4 बालिकाएं सम्मानित की जाएंगी जिन्होंने जनपद में और ब्लॉक स्तर पर यूपी बोर्ड में नाम रोशन किया है, टॉप किया है, जिसमें शिवानी यादव, चांदनी शाक्य, अच्छिता पांडे और सीता यादव शामिल हैं। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।